हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा टू स्टील फ्रॉम ए थीफ नाम की एक स्पेनिश हाइस्ट मूवी जो 2016 में आई थी। अगर रेटिंग की बात की जाए तो इसे मिक्स रिस्पांस मिला था और ऑडियंस ने भी इसे ठीक ठाक पसंद किया है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी के शुरुआत में हम स्पेन के वेलेंसिया सिटी को देखते हैं, जहाँ लगातार भारी बारिश हो रही थी जिससे सिटी में ट्रैफिक जाम हो गया था। उसी ट्रैफिक जाम में एक बैंक की मैनेजर सैंड्रा किसी से फोन पर बात कर रही थी। सैंड्रा परेशान होकर सामने वाले से किसी लिस्ट के बारे में पूछती है। अब लेट होने की वजह से वो पैदल ही बैंक की तरफ निकल पड़ती है। बैंक में पहुंचकर उसे पता चलता है भारी बारिश और ट्रैफिक जाम की वजह से बैंक का बाकी सिक्योरिटी स्टाफ अभी तक नहीं पहुंचा, इसीलिए मजबूरन उन्हें आधी सिक्योरिटी के साथ ही बैंक ओपन करना पड़ता है। बैंक ओपन होते ही सैंड्रा कुछ एम्प्लॉय से बात करती है। उसके जाते ही एक लेडी पूछती है, सैंड्रा आज इतनी परेशान क्यों है? तब एक आदमी बताता है क्योंकि सैंड्रा का नाम भी लिस्ट में है। अब कुछ समय बाद बैंक का कामकाज शुरू हुआ। इस समय काफी लोग बैंक में आ गए थे। बैंक में एक लड़की भी आई थी जो अपने घर के लोन को लेकर परेशान थी, क्योंकि 2 EMI ना भर पाने की वजह से बैंक उसका घर सीज कर सकती है। एक एम्प्लॉय सैंड्रा को बुलाने जाता है, लेकिन अंदर सैंड्रा किसी से उस लिस्ट के बारे में बात कर रही थी। दरअसल बैंक उन लोगों की लिस्ट बना रहा है जिन्हें जॉब से निकालना है। तब उसे पता चलता है उसका नाम भी उस लिस्ट में है। ये जानकर उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो इस बैंक में काफी समय से काम कर रही थी। थोड़ी देर बाद बैंक के सामने एक वैन आकर रुकती है। उसमें से कुछ रॉबर निकलकर बैंक में जाते हैं। उनके अंदर आते ही बैंक में अफरा तफरी मच जाती है। तभी वहाँ एक गार्ड गन लेकर आता है, लेकिन उन रॉबर में से एक उसे दिखाता है उनकी बॉडी पर बम बंधे है। अगर उसने जरा भी होशियारी की तो उसके साथ ये बिल्डिंग भी उड़ जाएगी। उनमें से एक ने बैंक के मेन डोर पर नजर रखी थी। अब मजबूरन उस गार्ड को अपनी गन नीचे रखनी पड़ती है। अब सभी रॉबर दिखाते हैं उन सब की बॉडी पर बम है, इसीलिए कोई भी हीरो बनने की कोशिश ना करे। अब थोड़ी ही देर में बैंक रॉबर्स के कंट्रोल में था। तब उन रॉबर्स का बॉस अंदर आता है। वैसे उनका बॉस मनी हाइस्ट का मार्टिन है, लेकिन इस मूवी में उसका नाम उर्गो है। उर्गो बैंक में मौजूद सभी लोगों को कोऑपरेट करने कहता है ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। बैंक कंट्रोल में लेते ही रॉबर मेन गेट बंद कर देते हैं। वही अपने केबिन में सैंड्रा अपनी जॉब बचाने किसी से बात कर रही थी। तब गैलेगो नाम का रॉबर उसकी कुछ बातें सुनता है, फिर उसे भी हॉस्टेज बना लेता है। बाहर बाकी रॉबर हालात को संभाल रहे थे, लेकिन तभी एक एम्प्लॉय चुपके से अलार्म के बटन दबा देता है, मतलब अब पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पहुँच जाएगी। तब उर्गो उसे काउंटर पर ले जाकर एम्प्लॉय ऑफ द मंथ कहकर उसका मजाक उड़ाता है और इनाम के तौर पर उसे नॉकआउट कर देता है। अब उसे थोड़ा डराने के बाद उर्गो लोको नाम के आदमी को जाकर कैमरा संभालने कहता है, लेकिन लोको भूल गया था उसे क्या करना है। आपको पहले ही बता दूं, ये लोको नाम का कैरेक्टर बहुत बेवकूफ है, किसी बच्चे की तरह। तब उर्गो उसे याद दिलाता है उसे जाकर कैमरा बंद करना है जो बाकी कैमरा से कनेक्टेड है। तब लोको जाकर मेन कैमरा से कुछ छेड़छाड़ करता है जिससे बाकी सभी कैमरा भी बंद हो जाते हैं। इस तरफ उर्गो सभी को फिर से डराता है कि किसी और ने उस बैंक एम्प्लॉय जैसी हरकत की तो वो अपने साथ इस बिल्डिंग को भी उड़ा देंगे। ये सुनकर एक औरत बहुत डर जाती है क्योंकि घर पर उसका बेटा उसका इंतजार कर रहा है। तब उर्गो वहां मौजूद सभी हॉस्टेजेस को अपने अपने घर एक बार कॉल करने कहता है, क्योंकि उनके फोन करने के बाद वो सभी के मोबाइल जब्त कर लेंगे। उर्गो खिड़की से देखता है बाहर पुलिस पहुंच चुकी है। इस तरफ गैलेगो सैंड्रा को एक केबिन में लेकर आता है। उसके पास वहां का मैप भी था, लेकिन वहां एक जेरोक्स मशीन भी होनी चाहिए थी। तब सैंड्रा बताती है रिनोवेशन के चलते उन्होंने जेरोक्स मशीन को ऊपर रखवा दी। तब गैलेगो एक डिवाइस निकालकर सिग्नल ढूंढने लगता है। वो सिग्नल उस टेबल के नीचे से आ रहा था। गैलेगो और उसका साथी तुरंत उस टेबल को हटाते हैं। दूसरी तरफ वेलेरा नाम का रॉबर अपने साथी के साथ सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स का गेट खोल रहा था। इस तरफ गैलेगो जमीन पर लगा मेट फाड़ता है। तब उसका साथी सैंड्रा को बाहर ले जाने लगता है, लेकिन गैलेगो उसे यही छोड़ने कहता है। दूसरी तरफ वेलेरा ने सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स का गेट खोल लिया था। अब उन्हें जल्दी जल्दी बॉक्सेस खोलने हैं। इस तरफ गैलेगो एक ब्लो टॉर्च से जमीन में होल करना शुरू करता है। दूसरी तरफ वेलेरा और उसका साथी बॉक्सेस खोल रहे थे और सामने उर्गो ने हॉस्टेजेस को संभाल रखा था। वो खिड़की से देखता है बाहर पूरी फोर्स आ गई। इस तरफ गैलेगो ने फ्लोर काट लिया था, लेकिन फ्लोर काटते ही उसे पता चलता है नीचे पानी भर रहा है, मतलब उन्होंने भागने पहले ही सुरंग खोद रखी है। बाहर उर्गो एक बैंक एम्प्लॉय से उन सभी सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस के ओनर की लिस्ट मांगता है। दूसरी तरफ वेलेरा और उसके साथी ने बॉक्सेस खोलने शुरू कर दिए थे। बॉक्सेस में उन्हें काफी कुछ मिल रहा था, लेकिन पहली तरफ गैलेगो सुरंग में जाकर देखता है जहाँ लगातार पानी भर रहा है। अब थोड़ा आगे जाने के बाद गैलेगो डुबकी लगाकर किसी अबैंडन्ड सबवे में निकलता है। उस सबवे में भी लगातार पानी भर रहा है। वही बाहर से ऑफिसर जोश बैंक में कॉल करता है। फोन उठाते ही उर्गो कुछ बात करने के बाद जोश को धमकाने लगता है कि सभी हॉस्टेजेस कोऑपरेट
कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने कुछ भी करने की कोशिश की तो वो अपने साथ बिल्डिंग को भी ब्लास्ट कर देंगे। अब पुलिस को उलझाने उर्गो उससे एक डील करने कहता है कि उसे यहाँ से भागने एक मिनी बस चाहिए जिससे वो एयरपोर्ट जा सके, और एयरपोर्ट पर उन्हें एक प्लेन चाहिए जिससे वो इस देश के बाहर भाग सके। वो प्लेन इतना बड़ा होना चाहिए कि 7000 किलोमीटर तक उसे फ्यूल भरवाने रुकना ना पड़े। जोश कहता है वो अकेला इन सब का इंतजाम नहीं कर सकता, उसे अपने सीनियर से बात करनी होगी। तब उर्गो कहता है वो उसके कॉल का वेट करेगा। उसके कॉल रखते ही गेलेगो उसे बताता है एक प्रॉब्लम आ गई। उर्गो भी टनल में जाकर देखता है। इतना सारा पानी देखकर वो भी परेशान हो गया था क्योंकि उनके निकलने का वही एक रास्ता है। उनके पास कोई प्लान भी नहीं है। सैंड्रा उनकी सभी बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। गेलेगो कहता है उसने पहले ही बोला था चोरी के लिए आज का दिन ठीक नहीं है, लेकिन उर्गो उससे पूछता है उनके पास कितना टाइम है। गेलेगो बताता है ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट, उसके बाद टनल में पानी भर जाएगा। लेकिन उर्गो कहता है वो लोग तैर के निकल जाएंगे क्योंकि उनके पास वाटरप्रूफ बैग है जिससे उनके लूट को कुछ नहीं होगा। लेकिन गेलेगो समझाता है टनल में पानी ही प्रॉब्लम नहीं, दरअसल सबवे में जैसे जैसे पानी भरता जाएगा टनल में बहुत प्रेशर से पानी भरने लगेगा। पानी के इतने प्रेशर में वो तैर नहीं सकते। ये जानकर उर्गो बहुत फ्रस्ट्रेट होता है। वो आदमियों को जल्दी काम खत्म करने कहता है, फिर सैंड्रा को वहाँ देखकर चला जाता है। अब उसके जाने के बाद गेलेगो कुछ काम कर रहा था। तब सैंड्रा उससे कहती है उनका प्लान तो बहुत अच्छा था कि बाहर पुलिस उनका वेट करती रहती और वो सब सुरंग से बाहर निकल जाते, लेकिन बारिश ने उनका प्लान खराब कर दिया। अब 45 मिनट में वो ज्यादा से ज्यादा 50-60 बॉक्सेस ही खोल सकते हैं। तब गेलेगो उससे पूछता है वो क्या कहना चाहती है। तब सैंड्रा कहती है इतनी मेहनत करने के बाद वो सभी को तो नहीं लेकिन उसे अमीर बना सकती है। तब गेलेगो उस पर गन तान कर जो चाहे वो बताने कहता है, वरना वो उसे शूट कर देगा। लेकिन सैंड्रा को उससे डील करनी थी, इसीलिए गेलेगो के गन तानने के बाद भी वो उसे कुछ नहीं बताती। वो बस इतना ही कहती है उसने बैंक के लिए इतने साल काम किया लेकिन बदले में बैंक उसे निकाल रही है। तब तीन गिनने पर भी सैंड्रा कुछ नहीं बताती। गेलेगो उससे पूछता है उसे क्या चाहिए। तब सैंड्रा कहती है जैसे वो बैंक से जाने से पहले अमीर बनना चाहता है, वो भी अपनी जॉब से निकाले जाने से पहले अमीर बनना चाहती है। इस तरफ उर्गो बॉक्सेस के एरिया में आता है, सब बॉक्सेस खोल रहे थे। तब उर्गो 314 नंबर के बॉक्स को देखता है। फिर हमें एक हॉस्पिटल में गोंजालो नाम के आदमी को दिखाया जाता है जिसे फिलहाल होश नहीं है, लेकिन उसके बगल में उसकी बीवी बैठी थी। वो टीवी में बैंक की न्यूज देखती है। ये न्यूज देखते ही वो तुरंत रूलिंग पार्टी के एक मेंबर को कॉल करके बताती है जिस बैंक में चोरी हो रही है वहाँ उसके हस्बैंड गोंजालो का एक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स है और उस बॉक्स में जो चीज है वो रॉबर के हाथ नहीं लगनी चाहिए। वो उसे शांत करके कहता है वो सब देख लेगा। अब वो स्पेन के प्रेसिडेंट के सिक्योरिटी इंचार्ज फेरान को कॉल करता है। फेरान इस वक्त प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी में लगा था। प्रेसिडेंट इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। तब फेरान को पता चलता है उनकी ही पार्टी के एक मेंबर गोंजालो का उस बैंक में एक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स है। उसकी बीवी को तो पता नहीं उस बॉक्स में क्या है, लेकिन वो बॉक्स बाहर आ गया तो वो सब बर्बाद हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सैंड्रा गेलेगो को बैंक की एक सीसीटीवी फुटेज दिखाती है जिसमें दो आदमी सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स की तरफ कुछ ले जा रहे थे। सैंड्रा बताती है फुटेज में दिख रहा आदमी गोंजालो है जो कुछ दिन पहले गवर्नमेंट के किसी बहुत बड़े स्कैंडल में पकड़ा गया था। ये सुनते ही गेलेगो समझ जाता है उस बॉक्स में जो भी है वो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। गेलेगो को सिर्फ इतना पता था गोंजालो को जेल हुई थी, लेकिन सैंड्रा बताती है जेल जाने के कुछ समय बाद ही गोंजालो जेल से छूट गया क्योंकि उसके खिलाफ सारे सबूत अचानक गायब हो गए। दरअसल गोंजालो ने जो स्कैंडल किया था उस स्कैंडल और उससे जुड़े सभी लोगों की जानकारी गोंजालो ने एक हार्ड डिस्क में सेव करके उस बॉक्स में रखी है। सैंड्रा दिखाती है उस फुटेज में गोंजालो के हाथ में एक हार्ड डिस्क है, लेकिन अभी दोनों को पता नहीं था उस स्कैंडल में बड़े बड़े नेता अफसर यहाँ तक कि स्पेन की प्रेसिडेंट भी शामिल है। मतलब वो बहुत बड़ा स्कैंडल था जिसके सबूत उस हार्ड डिस्क में है। उस हार्ड डिस्क की वजह से ही गोंजालो जेल से बाहर आया और अभी तक बचा हुआ है। मतलब वो हार्ड डिस्क बहुत अनमोल होने के साथ साथ बहुत खतरनाक भी है। वही दूसरी तरफ फेरान कुछ ऑफिसर्स के साथ मीटिंग कर रहा था। उनके पास बैंक की ज्यादा जानकारी नहीं थी। उनकी बातों से पता चलता है गोंजालो का उस बैंक में 5 साल से सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स है और उस स्कैंडल में ये सब भी शामिल है, लेकिन उस स्कैंडल की खबर किसी तरह प्रेस में लीक हो गई, इसीलिए गोंजालो को कुछ समय के लिए जेल जाना पड़ा। फेरान को लगता है उन लोगों ने ही गोंजालो पर हमला करवाया होगा जिस वजह से वो अभी हॉस्पिटल में है, लेकिन वो बताते हैं उन्होंने कुछ नहीं किया। दरअसल गोंजालो का सच में एक्सीडेंट हुआ था। हालांकि उन्हें पता नहीं उस बॉक्स में कौन से सबूत है, लेकिन फिर भी उन्हें कोई रिस्क नहीं लेना। वही दूसरी तरफ इस इन्फॉर्मेशन के बदले गेलेगो सैंड्रा को डायमंड में पे करता है ताकि जॉब जाने के बाद सैंड्रा अपनी जिंदगी आराम से जी सके। वही सामने लोगो ऑर्गो को बताता है बाहर पुलिस की हलचल बढ़ती जा रही है। ऑर्गो भी बाहर देखता है, बाहर फोर्स जैसे हमले की तैयारी कर रही थी। ऑर्गो तुरंत जोश को फोन करता है क्योंकि उसने उसे मिनी बस और प्लेन का इंतजाम करने कहा था।
था, लेकिन बाहर देखकर ऐसा लग रहा है जैसे फोर्स अंदर आने वाली है। जोश उसे समझा रहा था सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक ही हो रहा है और बाहर फोर्स बस अपना काम कर रही है। वो उर्गो को यकीन दिलाने की कोशिश करता है सब कुछ नॉर्मल है। फिर उर्गो उससे हॉस्टेज के लिए खाना और पानी मंगवाता है। उस खाने में कोई भी जहर या नींद की गोली नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो सबसे पहले हॉस्टेजेस को वो खाना खिलाएंगे। फोन रखने के बाद लोको अर्गो की तारीफ करता है क्योंकि उसने बहुत बढ़िया प्लान बनाया था। बाहर पुलिस उनका इंतजार करेगी और वो पैसे लेकर सुरंग से बाहर भाग जाएंगे। लेकिन गैलोगो सुरंग में जाकर देखता है पानी बहुत बढ़ गया था, अब उन्हें जल्दी से जल्दी निकलना होगा। इसीलिए सब लूटा हुआ माल जमा करते हैं, फिर हॉस्टेजेस को और अंदर लेकर आते हैं। फिर कुछ हॉस्टेजेस को बम का जैकेट पहनाते हैं। उन्होंने 3 हॉस्टेजेस को अपने घुटनों पर बैठा दिया था और 3 हॉस्टेजेस को नकली गन देकर उनके पीछे खड़ा कर दिया था। अब बम ऑन करके लोको उन्हें समझाता है। उस बम के ऊपर एक छोटी ट्यूब लगी है, उसके अंदर पारा भरा हुआ है। अगर वो पारा ट्यूब के दोनों हिस्सों तक पहुंच गया तो तुरंत ही बम ब्लास्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है उन्हें बिल्कुल भी हिलना नहीं है। जब बाहर स्नाइपर थर्मल कैमरा से अंदर देखते हैं, उन्हें वो हॉस्टेजेस रॉबर दिखाई देते हैं। वही बैंक में जोश लगातार फोन कर रहा था लेकिन वहाँ फोन पिकअप करने कोई नहीं था और वो हॉस्टेजेस हिल नहीं सकते। दूसरी तरफ गैलोगो बॉक्सेस के पास पहुँचता है लेकिन उसे दिखाई देता है उर्गो 314 नंबर का बॉक्स खोल रहा है। गैलोगो के मुँह से निकल जाता है, ये तो गोंजालो का बॉक्स है जिसमे पॉलिटिशियन की कोई चीज है। ये सुनकर उर्गो एकदम हैरान होकर पूछता है उसे इस बॉक्स के बारे में कैसे पता चला। लेकिन गैलोगो उर्गो से पूछता है उसे इस बॉक्स के बारे में कैसे मालूम था। तब गैलोगो को समझ में आता है ये सारी प्लानिंग उर्गो ने इस बॉक्स को चुराने ही की थी और उसने इस बारे में अपने साथियों को कुछ नहीं बताया था। उन्हें लगा वो बस रॉबरी कर रहे हैं। उसे लगता है उर्गो ने पहले ही इस बॉक्स की डील कर रखी है जिससे वो अपने साथियों को शेयर नहीं देगा। लेकिन फिलहाल उनके पास बहस करने का टाइम नहीं, उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। टनल में जाने से पहले उर्गो गैलोगो से पूछता है उसे बॉक्स के बारे में किसने बताया। गैलोगो बताता है उसे सैंड्रा मतलब बैंक मैनेजर ने बताया है। लेकिन उर्गो को उसकी बात पर यकीन नहीं होता कि सैंड्रा ने बस ऐसे ही उसे बॉक्स के बारे में कैसे बता दिया। लेकिन फिलहाल उन्हें बाहर निकलना है, इसीलिए सभी टनल में उतरने लगते हैं और उर्गो टनल से सबवे की तरफ जाने की कोशिश करता है। लेकिन अब टनल में इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ गया था कि अब वो आगे नहीं जा सकते। वहीं दूसरी तरफ फेरान फोर्स को अंदर जाने का ऑर्डर देता है। जोश को समझ नहीं आ रहा था उन्हें अटैक करने का ऑर्डर किसने दिया, लेकिन ऑफिसर उसे कुछ नहीं बताता। वही टनल में ये जानकर कि अब वो आगे नहीं जा सकते, सब बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं। इसीलिए मजबूरन उन्हें वापस बैंक में आना पड़ता है। अब फोर्स अंदर आने की तैयारी कर रही थी। फेरान कहीं दूर बैठे ये सब देख रहा था, अंदर फोन भी बज रहा था। तब उर्गो दौड़कर फोन पिकअप करता है। जोश बताता है उनका फूड आ गया है। दो ऑफिसर पिज्जा और पानी लेकर बाहर खड़े थे। जैसे ही वो खाना लेने बाहर आएंगे फोर्स उन पर अटैक करने तैयार थी, लेकिन अंदर लोगों ने बाहर के दरवाजे की चाबी ही घुमा दी थी। लेकिन कुछ देर ढूंढने के बाद उसे चाबी मिल जाती है। लेकिन बाहर जाने से पहले उर्गो उसे अपनी पैंट बदलने कहता है क्योंकि उसकी गीली पैंट देखकर पुलिस को शक हो सकता है, इसीलिए लोगो पैंट बदलने जाता है। वही बाहर फोर्स लोगों के बाहर आने का वेट कर रही थी। लेकिन तभी फेरान और बाकी लोगों के पास एक ऑफिसर आता है और उन्हें तुरंत हमला रोकने कहता है। तभी बैंक का दरवाजा भी खुलता है, लेकिन ठीक उसी समय फोर्स को मिशन अबॉर्ट करने का ऑर्डर मिलता है। तब लोगो और गैलोगो बाहर आकर खाना लेते हैं। फोर्स उन पर हमला नहीं करती। लोगो पिज्जा लाने वाले ऑफिसर से कहता है वो उन्हें बाद में टिप देगा। वही इस तरफ फेरान और बाकी लोगों को वो ऑफिसर बताता है उसने ही उर्गो को उस बैंक में चोरी करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। उर्गो कभी सीक्रेट सर्विस में हुआ करता था लेकिन अब वो फ्रीलांस काम करता है। उसने ही उर्गो को बैंक में चोरी करने के आड़ में वो बॉक्स लाकर देने कहा था, जबकि उर्गो को पता भी नहीं उस बॉक्स में क्या है। ये प्लान उस ऑफिसर ने अकेले ही बनाया था। ये जानते ही बाकी ऑफिसर उससे लड़ने लगे क्योंकि उन्हें लगता है उसका प्लान उस बॉक्स को हथियाकर उन्हें ब्लैकमेल करने का होगा। लेकिन ये जानकर कि वो रॉबर्ट्स एक तरह से उनके लिए ही काम कर रहे हैं और उनके पास बैंक से बाहर निकलने का एक अलग रास्ता है, सभी को बहुत रिलीफ मिलता है। अब उल्टा वो बाहर निकलने में रॉबर्ट्स की मदद करेंगे। वही बैंक में वो हॉस्टेजेस को पिज्जा देते हैं। तब लोगों वहाँ मौजूद एक लौरा नाम की लड़की से बात करता है। उसे लौरा बहुत पसंद आई थी और उस बेवकूफ को लगता है वो भी उसे पसंद करती है। तब वेलेरा उसे समझाता है ऐसा कुछ नहीं है और वो अपने काम पर ध्यान दे। वही इस तरफ उर्गो काफी परेशान था क्योंकि उसके भागने का एकमात्र रास्ता मतलब वो टनल बंद हो चुकी है और वो यहाँ फंस चुके हैं। तभी गैलोगो आकर उससे कहता है उसे अपने साथियों को उस बॉक्स के बारे में बताना होगा क्योंकि सब उस पर भरोसा करके ये चोरी करने आए थे। तब उर्गो लोको और वेलेरा को वो बॉक्स दिखाता है। लोको और वेलेरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब गैलोगो कहता है ये एक पॉलिटिकल बॉक्स है, इसे चुराने ही उर्गो उन्हें यहाँ लाया। उसे ये बात थोड़ी देर पहले मैनेजर ने बताई, लेकिन उर्गो कहता है उसे पता नहीं था ये बॉक्स गोंजालो का है। उसे बस बैंक रॉबरी के साथ इस
बॉक्स को भी चुराने का काम मिला था। तब लोगो और वेलेरो भड़कने लगते हैं क्योंकि वो सब इस बॉक्स के लिए यहाँ नहीं आए थे। लेकिन उर्गो कहता है रॉबरी रॉबरी होती है, उसने रॉबरी के बीच बस एक एक्स्ट्रा काम ले लिया। वेलेरो पूछता है उसे ये काम किसने दिया, लेकिन उर्गो नहीं बताता। लेकिन तब लोगो भड़कने लगता है क्योंकि बाहर निकलकर उर्गो को इस बॉक्स के बहुत सारे पैसे मिलते जिसके बारे में वो उन्हें कभी नहीं बताता। तब उर्गो उल्टा गैलेगो पर इल्जाम लगाने लगता है क्योंकि जब उसे भी मैनेजर ने इस बॉक्स के बारे में बताया तब उसने भी किसी को इस बारे में बताना जरूरी नहीं समझा। उर्गो उससे पूछता है बॉक्स की इन्फॉर्मेशन के बदले उसने मैनेजर को क्या दिया, लेकिन गैलेगो कुछ नहीं बताता। तब फिर उर्गो उस पर इल्जाम लगाता है उसने बिना उनसे पूछे मैनेजर को पैसे दिए होंगे। इन सबसे गैलेगो को बहुत गुस्सा आ रहा था। तब उर्गो सेंड्रा को ढूंढने बाहर जाता है। उनके बाहर जाते ही लोगो को उस हार्ड डिस्क को देखने की चुल मचती है। बाहर उर्गो सेंड्रा को ढूंढ रहा था। उस समय सेंड्रा बाथरूम में थी और वो डायमंड उसके हाथ में थे। बाहर से उर्गो उसे बाहर निकलने चिल्ला रहा था। सेंड्रा के बाहर आते ही उर्गो उसे पकड़कर पूछने लगता है गैलेगो ने उसे क्या दिया, लेकिन सेंड्रा उसे कुछ बता नहीं रही थी। उर्गो उससे बहुत बुरी तरह पेश आ रहा था। गैलेगो से ये देखा नहीं जाता, वो उर्गो से सेंड्रा को छोड़ने कहता है। इस बात को लेकर फिर से गैलेगो और उर्गो में बहस हो जाती है। गैलेगो बहुत देर से उसकी बकवास सुन रहा था लेकिन अब उससे सहन नहीं होता। वो उर्गो को पीटने लगता है लेकिन उनके साथी दोनों को अलग करते हैं। वेलेरा कहता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता किसने क्या किया है, फिलहाल उन्हें यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन फिर भी उर्गो चाहता था सेंड्रा ने गैलेगो से जो भी कुछ लिया है वो वापस करे। वो बाथरूम में जाकर देखता है जहाँ उसे डायमंड का पॉकेट मिलता है। बाहर आकर उर्गो बताता है गैलेगो ने सेंड्रा को डायमंड दिए, सेंड्रा ने वो डायमंड निगल लिए, मतलब उन्हें वो डायमंड वापस नहीं मिल सकते। वहीं दूसरी तरफ लोगो उस हार्ड डिस्क को कंप्यूटर में लगाकर देख रहा था आखिर उसमें है क्या, लेकिन गलत पासवर्ड डालने से हार्ड डिस्क का सारा मटेरियल ऑटोमेटिक डिलीट होने लगता है और लोगो कुछ नहीं कर पाता, मतलब अब वो हार्ड डिस्क किसी काम की नहीं। दूसरी तरफ फेरान गुंजालो के घर की तलाशी ले रहा था ये ढूंढने के लिए कि पार्टी के खिलाफ उसने कोई और सबूत तो छुपा नहीं रखे। उसकी बीवी बताती है गुंजालो कभी उस हार्ड डिस्क को पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल करने वाला नहीं था, उसने वो सबूत बस अपनी हिफाजत के लिए जमा किए थे। वही इस तरफ सिचुएशन को हैंडल करने कर्नल मेलिजो को भेजा जाता है। मेलिजो अर्गो से कहता है अब यहाँ से चीजें अलग तरीके से काम करेगी। मेलिजो उर्गो को आमने सामने मिलने कहता है। उर्गो को डर था बाहर आते ही वो उसे शूट कर देंगे, लेकिन मेलिजो कहता है उसे कोई शूट नहीं करेगा। अब 5 मिनट बाद उर्गो बाहर आता है, मेलिजो उसका बाहर वेट कर रहा था। उर्गो के आते ही मेलिजो उसे नाम से बुलाता है। मेलिजो आगे कहता है उन्होंने उसे जो काम दिया था उसे वो ठीक से कर नहीं पाया, इसीलिए अब वो उसे बाहर निकालने आया है, इसीलिए अब उसे वही करना है जो मेलिजो उससे कहेगा। वही जोश को पता नहीं था आखिर ये सब हो क्या रहा है। अब उर्गो बैंक में जाकर सभी को बताता है उन्हें बिल्डिंग के कोर्टयार्ड में जाना है, वहाँ के एयर कंडीशन डक्ट से होते हुए उन्हें 4th फ्लोर पर जाना है जहाँ पुलिस के भेष में दूसरे आदमी होंगे जो बाहर निकलने में उनकी मदद करेंगे। गैलेगो कहता है लेकिन वो आदमी और असली पुलिस वाले एक दूसरे को जानते नहीं है। उर्गो कहता है लेकिन मेलिजो ने सब इंतजाम कर लिया है, 4th फ्लोर पर मौजूद आदमी उन्हें पुलिस के कपड़े पहनाकर बाहर ले जाएगा। सभी को इस प्लान में कुछ गड़बड़ लग रही थी लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं, इसीलिए सभी मान जाते हैं। अब सामने के बिल्डिंग पर तैनात स्नाइपर्स को वापस आने का ऑर्डर मिलता है और उस बिल्डिंग के 4th फ्लोर पर मेलिजो का आदमी वहाँ तैनात ऑफिसर को नीचे जाने कहता है क्योंकि अब वो यहाँ नजर रखेंगे। अब वो बिल्डिंग के एयर कंडीशन डक्ट में आते हैं, वहाँ पहले से सीढ़ी लगी थी। वेलेरा सबसे पहले ऊपर जाता है, वो अपने साथ बैंक के एक एम्प्लॉई और सेंड्रा को भी लाए थे। ऊपर जाते ही वेलेरा को वो आदमी दिखाई देता है लेकिन कुछ सेकंड्स में ही उसे समझ आता है वो उनकी मदद करने आया है। नीचे गैलेगो देखता है वहाँ उर्गो और लोगो नहीं है, वो उन्हें देखने जाता है। नीचे लोगो उर्गो को बताता है जब उसने हार्ड डिस्क कंप्यूटर में लगाई तब हार्ड डिस्क ऑटोमेटिक फॉर्मेट हो गई। कुछ सेकंड बाद गैलेगो वहाँ आकर देखता है उर्गो लोगो को बुरी तरह मार रहा है। गैलेगो उसे छुड़ाता है लेकिन उर्गो के बताने पर गैलेगो ही लोगो को मारने दौड़ता है। तब उर्गो उसे रोकता है, लोगो लगातार उन्हें सॉरी बोल रहा था लेकिन फिलहाल उनके पास बहस करने का टाइम नहीं, उन्हें बाहर निकलना है। थोड़ी देर बाद सभी ऊपर पहुंचकर कपड़े बदल चुके थे, तब वो ऑफिसर उनसे वो बॉक्स मांगता है लेकिन उर्गो कहता है जब वो बाहर जाकर अपनी गाड़ी में बैठेंगे तब उसे वो बॉक्स मिल जाएगा। लेकिन तभी गैलेगो उसे पीछे से मारकर नॉकआउट कर देता है। दरअसल गैलेगो को अभी भी सावधानी बरतनी थी, इसीलिए वो उन्हें 2 ग्रुप में अलग अलग जाने कहता है। वो सेंड्रा और लोगो के साथ अलग रास्ते से जाता है और उर्गो उस एम्प्लॉय के साथ दूसरे रास्ते से। अब नीचे पहुंचते ही उन्हें दरवाजे पर बहुत सारे पुलिस ऑफिसर दिखाई देते हैं लेकिन वो शांत रहकर आगे बढ़ रहे थे। उनके सामने जाकर लोगो कहता है उन्हें सेंड्रा ऊपर के फ्लोर पर मिली, वो ऑफिसर उसकी आईडी मांगते हैं। तब सेंड्रा भी बताती है उन्होंने ऊपर मौजूद उसके ऑफिसर से बात कर ली है, लेकिन लोगो को उस ऑफिसर के हाव भाव से समझ में आ जाता है उन्हें पता है वो रॉबर है और ये ऑफिसर उन्हें यहाँ मारने आए है, मतलब मेलिजो
दिनों का उन्हें यही मरवाने का प्लान था। तभी वहाँ उर्गो और वेरल भी आ जाते हैं। अब वो सैंड्रा और उस इम्प्लॉय को हॉस्टेज बनाकर पीछे हट रहे थे, लेकिन उनके बीच शूटिंग शुरू हो जाती है। वो ऑफिसर की गोलियों से बच रहे थे, लेकिन सैंड्रा के हाथ में गोली लग गई थी, इसीलिए उन्हें मजबूरन चौथे फ्लोर पर वापस आना पड़ता है। उर्गो सैंड्रा को शांत करके कहता है उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि बुलेट उसके हाथ के आर पार निकल गई और कुछ ही देर में पुलिस उसे यहाँ से ले जाएगी। फिर सैंड्रा को वही छोड़कर सभी को फिर से वापस बैंक में आना पड़ता है। थोड़ी देर बाद मिलीजो उर्गो को बता रहा था सैंड्रा अब खतरे से बाहर है, लेकिन उर्गो उस पर भड़क रहा था क्योंकि उसने उन्हें बाहर निकालने का नहीं बल्कि मरवाने का प्लान बनाया था। जब मिलीजो उसका नाम लेता है, उर्गो उसे वार्न करता है वो पुलिस के सामने उसका नाम न ले, वरना वो भी बहुत सारे नाम जानता है। अब उसे 15 मिनट में बाहर निकलना है, वरना वो हॉस्टेजेस को मारना शुरू कर देगी। उसके फोन रखने पर जोश परेशान हो रहा था कि उर्गो सच में हॉस्टेजेस को कोई नुकसान न पहुंचाए, लेकिन मिलीजो कहता है वो रॉबर इतने भी बेवकूफ नहीं है। वो किसी भी हॉस्टेजेस को मार कर अपनी मुश्किलें बढ़ाएगी नहीं, क्योंकि उन्हें पता है किसी भी हॉस्टेज के मरने पर उनका क्या अंजाम होगा। वही बैंक में लोको वेलेरा के साथ बकवास कर रहा था कि कैसे उसने उस ऑफिसर को पहचान लिया, लेकिन अब वेलेरा उसकी बकवास से परेशान हो चुका था, इसीलिए वो लोको को वहाँ से भगा देता है। गैलेगो और उर्गो बॉक्सेस के पास बैठे अफसोस कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता है अब वो बुरी तरह फंस चुके हैं, क्योंकि मिलीजो उन्हें बचाने नहीं मारने आया है। उर्गो अफसोस कर रहा था कि उसने बैंक रॉबरी का ऑफर एक्सेप्ट ही क्यों किया, उसकी वजह से ही वो सब यहाँ फंसे हुए है। लेकिन गैलेगो कहता है इसमें उसकी कोई गलती नहीं, क्योंकि उसने किसी को भी ये चोरी करने फोर्स नहीं किया, सब इस काम के लिए अपनी मर्जी से राजी हुए। यहाँ हमें पता चलता है गैलेगो और बाकी सब कोई क्रिमिनल नहीं है, वो सब आम लोग है। वो बस अपने कर्जे खत्म करने ये चोरी करना चाहते थे, वो किसी भी हॉस्टेजेस का खून नहीं कर सकते। दूसरी तरफ लोको उस लड़की को बाथरूम में लेकर आता है, उसे पहले लगता है लोको उसके साथ जबरदस्ती करेगा, लेकिन लोको कहता है वो लड़कियों की बहुत इज्जत करता है। दरअसल लोको उसे बहुत सारे पैसे देता है ताकि वो अपने घर का लोन चुका सके। पहले तो वो लड़की पैसे लेने से मना करती है, लेकिन लोको कहता है ये पैसे किसी रईसजादे के होंगे जिसे इन पैसों के जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तब वो लड़की उन पैसों को अपने कपड़ों में छुपा लेती है। बाहर बैठे वेलेरो और उर्गो परेशान हो रहे थे कि अब आगे क्या करे। उर्गो को ये तक समझ नहीं आ रहा था कि अब वो मिलीजो से बात क्या करेगा, लेकिन तब गैलेगो उसे समझाता है उन्हें पता है वो हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो गई, लेकिन उन लोगों को नहीं पता, इस बात का वो फायदा उठा सकते हैं। उर्गो उसकी बात समझ जाता है, वो तुरंत मिलीजो को कॉल करके कहता है वो हॉस्टेजेस को कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अब उसे गोंजालो के बॉक्स के बारे में पार्टी के किसी आदमी से बात करनी है। तब जोस गोंजालो सेरियानो का नाम नोट कर लेता है। अब जोस को कुछ कुछ समझ आ रहा था कि यहाँ चल क्या रहा है। वो किसी को कॉल करके बताता है यहाँ सीक्रेट सर्विस मौजूद है और उर्गो ने गोंजालो का नाम लिया। गोंजालो रूलिंग पार्टी का एक खास आदमी है। थोड़ी देर बाद फेरान को उसका सीनियर कॉल करके बताता है किसी ने गोंजालो और बैंक की सभी इन्फॉर्मेशन मीडिया में लीक कर दी। मीडिया को फिलहाल सिर्फ इतना पता है बैंक के मामले को हैंडल करने सीक्रेट सर्विस आई है और रॉबर्ट्स ने गोंजालो का नाम लिया। मतलब ये इन्फॉर्मेशन जोस ने ही मीडिया में लीक की। अब फेरान का सीनियर उसे जाकर रॉबर्ट से बात करने कहता है। अब फेरान को मीडिया में लीक हुई इन्फॉर्मेशन को कवर करना होगा, इसीलिए वो अपने सेक्रेटरी को उन सभी लोगों से मिलने कहता है जो उस स्कैंडल से जुड़े हुए थे, ताकि जब मीडिया उनसे सवाल करे तब सबके बयान एक जैसे होने चाहिए। अब थोड़ी देर बाद उर्गो और गैलेरो बाहर आते हैं। एक वैन में फेरान उनका वेट कर रहा था। वैन में आते ही फेरान उन्हें एक ऑफर देता है, उसके मुताबिक यहाँ से बाहर निकलने का उनके पास एक ही रास्ता है, उन्हें सरेंडर करना होगा। वो उन्हें बॉक्स वापस करेंगे और वो जब कहेंगे उन्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन उर्गो और गैलेरो को ये डील मंजूर नहीं, उन्हें पैसों के साथ इस देश से बाहर निकलना है। अब जो डिमांड उन्होंने जोश को उलझाने की थी कि उन्हें एक मिनी बस और प्लेन चाहिए, अब उन्हें वो सच में चाहिए था, लेकिन फेरान नहीं मानता। वो कहता है उनके लिए ये सब नया नहीं, अगर हॉस्टेजेस ने उन्हें हार्ड डिस्क देते हुए देख भी लिया तो क्या होगा, कुछ नहीं, कुछ ही दिनों में सब ये भूल जाएंगे। तब गैलेगो कहता है उस वीडियो का क्या जिसमें प्रेसिडेंट दिख रही है, अगर वो वीडियो बाहर आ गया तो वो किसी को जवाब नहीं दे पाएगी। गैलेगो ने बस हवा में तीर मारा था, क्योंकि पार्टी और फेरान को भी नहीं पता उस हार्ड डिस्क में क्या है। वो उन्हें पहले वो वीडियो दिखाने कहता है, लेकिन उर्गो पहले उनकी शर्त मानने कहता है, वरना वो हार्ड डिस्क में मौजूद उस वीडियो को हॉस्टेजेस के मोबाइल में ट्रांसफर कर देंगे। दूसरी तरफ जोश उस आदमी के बारे में पता लगा रहा था जो पुलिस ऑफिसर बनकर चौथे फ्लोर पर गया था। थोड़ी देर बाद फेरान उर्गो को कॉल करके कहता है उसने सभी इंतजाम कर लिए है, लेकिन प्लान आगे बढ़ाने से पहले उसे वो वीडियो देखना है जिसके बारे में वो बात कर रहे थे। तब उर्गो बहाने बनाने लगता है, लेकिन तब फेरान को समझ में आ जाता है वो उसे ट्रिक कर रहा है, उसके पास कोई वीडियो नहीं है, यहाँ तक कि उसके पास उनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है। तब उर्गो थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन तब भी उसे धमकाने
समझाने की कोशिश करता है कि जल्दी ही बैंक के सामने बस आ जाना चाहिए, वरना प्रेसिडेंट के करप्शन का वीडियो न्यूज चैनल पर टीवी पर आ जाएगा। गैलेगो उससे पूछता है सब ठीक तो है, उर्गो कहता है सब ठीक है। दूसरी तरफ फेरान जाकर मेलिजो को बताता है, उनके पास कोई सबूत नहीं, वो बस उनके साथ खेल रहे हैं। लेकिन मेलिजो की सीधे प्रेसिडेंट से बात होती है, प्रेसिडेंट को यहाँ की सभी जानकारी है। फेरान उसे समझाने की कोशिश करता है, उसने उन रॉबर्ट से बात की है, उनके पास कुछ नहीं। लेकिन मेलिजो नहीं मानता, क्योंकि प्रेसिडेंट को किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेना, इसीलिए उन्हें रॉबर्ट्स की शर्तें माननी ही पड़ेगी। वही जोश को पता चलता है, जिस आदमी को उसने बैंक के पास देखा था वो मेलिजो का खास आदमी है, वो एक फोटो में मेलिजो के साइड में खड़ा था। वही फेरान पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि प्रेसिडेंट का ऐसा कौन सा वीडियो हो सकता है जो रिकॉर्ड हुआ हो। उसकी सेक्रेटरी बताती है, प्रेसिडेंट बनने से पहले उन्होंने इलेक्शन में फेवर लेने कुछ लोगों से मीटिंग की थी, शायद वही वीडियो गोंजालो की हार्ड डिस्क में हो। तब फेरान अपनी सेक्रेटरी को पता लगाने कहता है कि उस मीटिंग का कोई सबूत था भी या नहीं। वही बैंक के अंदर से लोगों देखता है, बाहर मिनी बस आ गई है। गैलेगो और ओर्गो समझ जाते हैं गवर्नमेंट उनकी धमकी से डर गई, इसीलिए उन्होंने वक्त से पहले ही बस भिजवा दी। तब उनके दो आदमी बाहर निकलकर उस बस को चेक करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था बस के नीचे बम लगा है, मतलब मेलिजो का रॉबर के साथ उस हार्ड डिस्क को भी उड़ाने का प्लान है, चाहे इसमें हॉस्टेजेस भी क्यों ना मारे जाए। अब बस चेक करने के बाद दोनों वापस जा रहे थे, इस समय तक बारिश भी रुक चुकी थी। दूसरी तरफ मेलिजो बताता है, सरकार ने हॉस्टेजेस के खातिर उन रॉबर्ट्स की डिमांड मानने का फैसला किया है, लेकिन फेरान समझ जाता है ये सब बकवास है, वो रॉबर्ट्स के साथ उस बस को भी उड़ा देंगे, जिससे हार्ड डिस्क भी खत्म हो जाएगी, जिसमें बहुत सारे हॉस्टेजेस भी मारे जाएंगे, लेकिन लोगों को लगेगा रॉबर्ट्स ने ही वो ब्लास्ट किया है, क्योंकि उनकी बॉडी पर बम बंधे थे। फेरान को इतने सारे लोगों का मरना ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे पूरा यकीन है उन रॉबर्ट्स के पास कोई सबूत नहीं, लेकिन मेलिजो उसे वहां से भगा देता है। वही बैंक में गैलेगो और ओर्गो बस में जाने की तैयारी कर रहे थे, ओर्गो को अपने पैसे लेकर इन सबसे दूर जाना है, लेकिन गैलेगो कहता है उन्हें देश छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं, जिस तरह उनकी धमकी से सरकार डरी है वो उन्हें हमेशा ब्लैकमेल कर सकते हैं। बैंक के गेट पर सभी बस में जाने तैयार खड़े थे, लोगों परेशान हो रहा था क्योंकि काफी देर हो गई थी, लेकिन वेलेरा कहता है उन्हें गैलेगो और ओर्गो के आने तक रुकना होगा। गैलेगो भी बाहर जाने तैयार था, तभी फोन बजता है, ओर्गो फोन के पास ही खड़ा था। मेलिजो पूछता है उन्हें बाहर आने में इतनी देर क्यों लग रही है, क्योंकि उन्होंने उनके लिए पूरी रोड क्लियर कर रखी है, 20 मिनट में वो एयरपोर्ट पर होंगे। ओर्गो फिर उसे धमकी देने की कोशिश करता है कि अगर उन्होंने कोई भी होशियारी करने की कोशिश की तो वो अपने साथ हॉस्टेजेस को भी ब्लास्ट कर देंगे। मेलिजो उसे यकीन दिलाता है वो उसे डबल क्रॉस नहीं करेगा, लेकिन तभी ओर्गो को दिखाई देता है सूरज निकल रहा है। इन सब के बीच किसने ध्यान ही नहीं दिया कि बारिश रुक चुकी है, ओर्गो कहता है वो 10 मिनट में निकलने वाले है। दूसरी तरफ फेरान को पता चलता है कि प्रेसिडेंट ने इलेक्शन जीतने जो फंडिंग ली थी उसका कोई सबूत कोई वीडियो नहीं, ये जानते ही वो तुरंत वापस जाता है। मेलिजो ने अपना फोन बंद कर दिया था, इसीलिए फेरान उसे कॉल नहीं कर पाता। फेरान तुरंत वहां पहुंचकर सबके सामने मेलिजो से कहता है उस मीटिंग का कोई वीडियो नहीं है, गोंजालो ने उस मीटिंग को रिकॉर्ड करने कुछ बग लगाए थे लेकिन उनमें कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसीलिए उन्हें बस को ब्लास्ट करने की जरूरत नहीं। तब मेलिजो उसे अंदर ले जाता है, लेकिन तब जोश ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रेस में लीक कर देता है। अंदर ले जाकर सबके सामने बात करने के लिए मेलिजो फेरान पर भड़क रहा था, और वैसे भी अब प्लान को चेंज करने में बहुत देर हो चुकी है। ठीक उसी समय हॉस्टेजेस बैंक से बाहर आते हैं, उनके साथ कुछ रॉबर्ट्स भी थे, सबका ध्यान उन पर ही था, लेकिन बस के पास आते ही वो रॉबर्ट चिल्लाकर कहते हैं वो हॉस्टेजेस है, मतलब उन्होंने हॉस्टेजेस को रॉबर के कपड़े पहना दिए थे। ये जानकर सभी शॉक थे। तभी मेलिजो को भी पता चलता है वो सभी हॉस्टेजेस है, उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। दरअसल गैलेगो और बाकी सब वापस टनल में आ गए थे, बारिश रुकने से अब टनल का पानी काफी कम हो गया था, अब वो अपना लूट का माल लेकर आगे बढ़ रहे थे। वही ऊपर बैंक में फोर्स आती है, जहाँ उन्हें और भी हॉस्टेजेस मिलते है। वही नीचे पानी का प्रेशर कम होने की वजह से सभी सही सलामत उस सबवे में आ जाते हैं। अब बिना ज्यादा वक्त गवाए सभी सबवे की उस जगह आते हैं जहाँ उन्होंने अपने लिए कपड़े रखे थे। सभी जल्दी जल्दी कपड़े बदलना शुरू करते हैं। ऊपर बैंक में फोर्स उन्हें ढूंढ रही थी, उन्हें वो टनल भी मिल जाती है। मेलिजो तुरंत उस सबवे को घेरने कहता है, लेकिन ऑफिसर उसे बताते हैं रॉबर्ट सबवे से भी भाग चुके हैं, लेकिन मेलिजो उसे रॉबर्ट को पकड़ने कहता है। फिर फेरान बैंक में आता है, तब उसे पता चलता है रॉबर्ट जिन बॉम्ब से उन्हें डरा रहे थे वो सब नकली बॉम्ब थे। वो गोंजालो का बॉक्स देखने जाता है, लेकिन अब उस बॉक्स में नोट का एक खिलौना बना हुआ था। तभी उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है कि मीडिया में न्यूज चल रही है कि बैंक में चोरी सीक्रेट सर्विस ने करवाई, गोंजालो के बॉक्स में प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई सबूत रखा था और सीक्रेट सर्विस बैंक हाइस्ट के नाम पर उस बॉक्स को हासिल करना चाहती थी। फेरान के बाहर आते ही मीडिया उससे सवाल करने लगती है कि गोंजालो
वालों के बॉक्स में क्या था। वहीं दूसरी तरफ सभी एक मेट्रो में थे। सभी बहुत खुश थे क्योंकि इतनी मुश्किलों के बाद भी उनकी चोरी कामयाब रही और वो सब बचकर बाहर आ गए। एक स्टेशन आने पर गैलेगो और उर्गो बाकी लोगों को ब्रीफ देकर उतर जाते हैं। फिर स्टेशन पर गैलेगो और उर्गो अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी भी यही एंड होती है। अगर बात की जाए कुछ लॉजिकल पॉइंट की तो सबके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि सरकार उन्हें ऐसे ही छोड़ देगी और हार्ड डिस्क में तो सब कुछ डिलीट हो चुका है। इसके साथ मीडिया में भी ये न्यूज लीक हो चुकी है। तो इसका बहुत सिंपल जवाब है, सरकार उन्हें कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन वो देश छोड़कर चले जाते हैं तो बात अलग है। हार्ड डिस्क से सब कुछ डिलीट तो हो गया था लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो डेटा को रिकवर किया जा सकता है। और रही बात इस चोरी के बारे में मीडिया में पता चलने की, तो इससे भी कुछ नहीं होगा क्योंकि मीडिया में सिर्फ इतना ही पता है इस चोरी में सीक्रेट सर्विस भी शामिल थी। लेकिन उस हार्ड डिस्क में क्या है, किसके खिलाफ कौन से सबूत है, मीडिया को कुछ नहीं पता। और कुछ दिनों बाद लोग इस न्यूज को भूल भी जाएंगे क्योंकि जब तक कोई सबूत नहीं होता, इल्जाम सिर्फ इल्जाम होता है, गुनाह नहीं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।